रहा प्याज लगाया जाता है, ये देखिए रहा भांजी प्याज लगा रही। मार्च अप्रैल में और जून को गांव का लोग जंगल में आग लगा देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं रहूँ कनक प्रिया और एक ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज ठंड कम था, ठंड दोस्तों हम लोग का यहां सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ठंड लगता है, उसके बाद दोस्तों बहुत ही कड़क धूप चलता है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा धूप है इधर, और मैं अभी हमारा सब्जी खेत पहुँच गया हूँ। ये देखो हम लोग प्याज लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, उधर प्याज लगा चुके हैं पे, और आज इधर प्याज लगा रहे हैं। देखो प्याज का कीमत भी बहुत ही ज़्यादा है हम लोग के यहाँ, और लहसुन का तो कीमत 400 kg रुपया है। और देखिए ये मेरे माँ है, उधर मेरे भाजी आए बेटा, ये ऐसे, और ये इधर भी में इधर बीम भी फल रहा है, गाजर भी उधर मस्त है, और उधर धनिया भी मस्त है, और इधर पालक भी अच्छा है, उधर बंधा गोभी है, और प्याज इधर लगाए हैं पहले। मेरा पिताजी पानी दे रहे हैं, पानी दे के प्याज लगाया जाएगा कुछ इस प्रकार, और आप लोग को दिखा रहा हूँ प्याज का चारा, प्याज का चारे इस प्रकार है, इसे लगाया जाता है। इधर आलू था, आलू को खोल लिए हैं, और इसमें प्याज लगाया जाएगा। अरे भांजी, ये मेरा भांजी है, ऐसा प्याज लगाया जाता है, देखिए। तो अभी हम लोग सब्जी खेती में प्याज लगा रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। इस तरह प्याज लगाया जाता है, ये देखिए मेरा भांजी प्याज लगा रही है, उधर मेरे माँ प्याज लगा रही है, प्याज इस तरह लगाया जाता है। अरे भतीजा, वो भतीजा है, भतीजा खेल रहा है कीचड़ में खेल रहा है। दोस्तों अभी 11:30 बज रहा है और बहुत ही जोरदार धूप है, मैं पहाड़ की तरफ घूमने जा रहा हूँ। हम लोग का यहाँ ठंड सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ही लगता है, और बाकी समय बहुत ही गर्म लगता है। अभी 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पहाड़ की तरफ घूमने जा रहा हूँ, पानानाथ सर ने बोला था कि कुछ फोटो का ज़रूरत है पहाड़, इसीलिए पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। पानानाथ सर ने कहा था हमारा पहाड़ का कुछ फ़ोटो, कुछ उनका चैनल है बिहीन गाड़ी, फेसबुक में फेमस, वो समाज सेवी भी है और टीचर भी है, समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उनका बिहीन गाड़ी चैनल में कुछ जागरूकता फैलाने के लिए कुछ वीडियो डालेगा, उसी के लिए फोटो पहाड़ का फोटो ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। कनकपुर जंगल पहुँच ही चुका हूँ, कनकपुर जंगल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिखेगा। तो अभी मैं कनकपुर जंगल का ऊपर हूँ, ये देखिए कनकपुर जंगल प्रकार है, चारों तरफ लोग दिखा रहा हूँ। ये पूर्व दिशा में डोंगरापुर, और देखिए नीम का पेड़ है, हम लोगों का गांव उत्तर दिशा में है, इस पर का चारों तरफ दिखता है, चारों तरफ ये जंगल बहुत ही घना था। फरवरी मार्च अप्रैल में ये 3 महीना गांव के लोग पहाड़ों में आग लगा देते हैं। क्यों आग लगा देते हैं ये आप लोग को समझा रहा हूँ। ज़्यादा जंगल होने से जो गाय बकरी चराने वाले उन लोगों का बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन लोग गाय बकरी चराते हैं जंगल में,
उन लोग कहते हैं कि जितना जंगल झाड़ी होगा उतना घास नहीं है, इसीलिए उन लोग फरवरी मई जून महीने में जंगल में आग लगाते हैं। और जंगल को इतना झाड़ी था ना, सब झाड़ी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से दरखास्त करता हूँ, आप लोग गांव देहात में जागरूकता बढ़ाइए और हमारा जंगल को बचाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जंगल का ऊपर चढ़ गया हूँ दोस्तों, जंगल में बहुत ही झाड़ी है दोस्तों। मेरा कपड़ा पूरा गंदा हो गया और ये सारा लटक रहे हैं कपड़ा में। आप लोगों को जंगल दिखा रहा हूँ, मेरा पीछे एक बड़ा सा सिमोल का पेड़ है, ये आप लोगों का पहले से भी देखा, ये आप लोग आगे भी देखा चुका हूँ। देखिए बहुत बड़ा एक सिमोल का पेड़ है, जंगल का ऊपर है, बहुत दूर से दिखता है। और इधर एक टॉप है जंगल, कनकपुर हिल टॉप, घना जंगल है, इस तरह दिखता है। सिमोल का एक बड़ा पेड़ है, जो पेड़ के नीचे से ये पत्थर का ऊपर से बचती है, इस पत्थर का ऊपर खड़ा होकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो देखिए सिमोल का फूल बहुत ही मस्त दिख रहे हैं, सिमोल का फूल, सिमोल का फूल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो मेरा कपड़ा पूरा खराब हो गया और गंदा हो गया दोस्तों। जंगल में बहुत ही झाड़ी है दोस्तों, बहुत ही घना झाड़ी है। जंगल से उतर रहा हूँ दोस्तों, मेरा कपड़ा भी खराब हो गया, घर जा रहा हूँ, चलो घर में मिलते हैं दोस्तों। जंगल से उतर